सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक अवर दुबई किचन्स फेसबुक पेज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते, बीफ कोफ्ते बना रही हूँ। इसकी रेसिपी आप नोट डाउन कर लें और इसके इंग्रेडिएंट्स लिख लें। ये हमने प्याज ले ली, प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, दो प्याज हैं छोटी दरमियानी साइज़ की। लहसुन अदरक का पेस्ट दो दो चमचे ले लिए हैं। नमक ले लिया है, काली नमक भी दो चमचे हैं। लाल मिर्च, ये खशखश है, इस खशखश को हम पीस लेंगे। ये इसको मैंने धोकर भून लिया है। फिर ये गरम मसाला है, इसको भी पीस लिया है। ये चने हैं, इसको भी मैंने हल्का सा भून लिया था, वैसे ये भुने हुए चने। अब इनको और खशखश को मैं एक बार पीस लूँगी और इनको बारीक कर लूँगी। ये कीमा हमने ले लिया, अब इसमें हम ये सब चीज़ें शामिल करेंगे और इनको खूब मिक्स करके। खशखश को हमने धो के भून लिया था, इसको ले लेंगे। और चनों को भी ले लिया था, साफ कर लिए, भून लिए थे, अब इनको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। चने तकरीबन 3 चमचे थे, ये बारीक पीस लिया था, अब इसको पीस के हम कीमे में शामिल कर देंगे। लाल मिर्च डाल दें, गरम मसाला, भुनी प्याज फ्राई की हुई, और लहसुन अदरक पेस्ट दो दो चमचे ले लें। हरी मिर्चें और प्याज को हम दरदरा सा पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, जिसमें कि ये थोड़ी दरदरी सी हुई हुई होगी। फिर हरा धनिया डाल देंगे, जब ये तीनों पिस जाएंगे, चकजान हो जाएंगी, तो फिर हम कीमा और उसमें जितने मसाले पड़े हुए हैं उन सबको पीस लेंगे। अब हरी मिर्च और प्याज हो गई थी, हरा धनिया डाल दिया, अब थोड़ा थोड़ा कीमा डालते जाएंगे। हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें पिस गई हैं, उसमें अब कीमा डालते जाएं और पीस लें। ये देखें बिल्कुल चिकना हो गया। अब ऑयल एक प्लेट में ले लें, अपने हाथों पे ऑयल लगा लें और फिर कोफ्ते बना लें, गोल गोल करके इस तरह से। बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी ना दबाएं। और इस तरह से शेप देते जाएं, एक साइज़ के कोफ्ते बना लें। इस तरह से कोफ्ते बनाते जाएं। फर्स्ट स्टेप में आपको मैंने कोफ्तों का बनाना बता दिया है, अब सेकेंड स्टेप में मैं आपको इसका मसाला बनाना बता दूंगी। ये हम चाहें तो इनको इस तरह से फ्रीज भी कर सकते हैं। ये कोफ्ते तैयार हो गए। मसाले के लिए हमने दो प्याज ले लिए हैं, दो चमचे लाल मिर्च, हल्दी दो चमचे और तीन चमचे धनिया पाउडर, लहसुन अदरक पेस्ट दो दो चमचे और नमक हसबे ज़ायका। ये हम मसाला तैयार करेंगे सालन का एक फ्राइंग पैन में।
ऑयल डाल के कोफ्तों को ज़रा सा फ्राई कर लें। हल्का सा फ्राइंग पैन को हिलाएं तो ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। बेसन पे अलग करके रख लें और इनको इस पोजीशन में फ्रीज भी कर सकते हैं। और फिर जब आपको बनाना, जब भी बनाने का दिल चाहे आप मसाला बनाएं और कोफ्तों को डाल दें। अब जो ऑयल बचा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है देगची में, थोड़ा सा ऑयल और मैंने डाला है, तकरीबन आधी प्याली मैंने ऑयल डाल दिया है। उसमें प्याज फ्राई कर लूँगी। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें मसाले ऐड कर दें, लहसुन अदरक पेस्ट डाल दें, थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले नहीं, प्याज भी काली नहीं होगी इस तरह से, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक डाल लें और मसाले को भून लें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को भूनते जाएं। जब घी या ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो मसाला तैयार हो जाता है। देखें ये मसाला तैयार हो गया। अब हमने जो कोफ्ते फ्राई हल्के से किए थे उनको इसमें डाल देंगे। और इसको कपड़े से पकड़ के हिलाएंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी ऐड करके रख देंगे, एक घंटे तक पकाएंगे। क्योंकि ये बीफ के हैं तो ये थोड़ा टाइम लगता है गलने के लिए। ये देखें कोफ्ते तैयार हैं। अब इसमें आपको जितना शोरबा रखना है, सालन इसका रखना है, तो उसमें आप उतना पानी ऐड कर दें।
ये मैंने डिश आउट कर दिया, इस पे हरा धनिया डाल दें।